मरार सर को यहाँ लाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। लेकिन अभी उनकी कंडीशन, अभी तो कुछ भी बोल नहीं सकते, फिलहाल क्रिटिकल हैं। 48 घंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। मरार सर, मरार सर, मैं मंडियार, अस्थि को उसने गटर में फेंक दिया। उस दिन हैदर को अरेस्ट करके सत्य जीत गया था, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होनी चाहिए। उसे तुम छोड़ना मत मड़ियार, तुम्हें जीतना ही होगा, हर हालत में तुम्हें जीतना होगा। हैदर से कौन मिलने आया बताओ? हैं? मैं हूं नरसिम्हा मड़ियार। अस्थि को जहां गंगा में विसर्जित करना था, लेकिन तुम उसकी कीमत नहीं जानते हो। सरकार और कानून तुम्हारा साथ दे रही है, इसलिए तुम और तुम्हारे सारे लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तुम्हारा खेल खत्म। बाला तुम जाओ, कल सुबह आना। तुम यहां कैसे? मैं कैसे आया इसके बारे में मत सोचो। हैंड्स अप। यूनिफॉर्म पहनकर तुमने अब तक कोई अच्छा काम नहीं किया है। एक थर्ड क्लास गुंडे के लिए पिताजी के बराबर की उम्र के आदमी को तुमने मारा है, समझे नरीमन? नरीमन, इसे थप्पड़ मारो। विद प्लेजर सर, मैं अपने काम से रिजाइन करने से पहले एक अच्छा काम करना चाहता हूँ। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा सुपीरियर ऑफिसर हूँ। मारार सर कौन थे? तुम्हारे सुपीरियर ऑफिसर थे, पर उस आदमी पर हाथ उठाने से पहले कुछ याद नहीं आया? सैल्यूट करने वाले हाथ से अब मार खाने का मजा आ रहा है ना? सैल्यूट करने वाले हाथों से मार खाने में मजा आया? तुम्हारे गांव में तुम्हारा सारा परिवार इंतजार कर रहा है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं मैं। वो चला गया सर। एक्सक्यूज मी, मिस्टर फर्नांडिस फ्रॉम मुंबई, उनका रूम नंबर कौन सा है? 506। Hello.
केस क्या है? मारपीट का सर, एक दिन का रिमांड भी है। सब जेल में जगह नहीं है क्या? सब जेल में जगह नहीं है, इसीलिए तो यहां पर आए हैं। यहां साइन करो। ठीक है, इन दोनों को जेल के कपड़े दे दो। तुम्हारा भाई मरा तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है? तुम हो? हाँ, मैं मंडियार हूँ। जेल मंडियार के लिए भी खुलता है। मेरे भाई को तुमने मार डाला? हाँ, मैंने ही। तुमने मेरे इकलौते भाई को मारा तो मुझे कितना दुख हुआ था, पता भी है तुम्हें? मैं तुम्हें मार डालूंगा ऐसा सोचने वाले, बदले के बदले बदला लेने वाला, मैं तेरे जैसे थर्ड क्लास का गुंडा नहीं हूं। तू यही मरेगा, लेकिन मरने से तू बहुत डरता है, पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। मंडियार को डर नहीं है इस बात का, तुम जिंदा नहीं बचोगे। झूठ है, सफेद झूठ है। मार पीट करके रिमांड में आना, यह सब उनकी चाल है। उसने ही मेरे भाई को मारा है। अब यहां मुझे मारने आया है, यह उनकी चाल। चिंता मत करो, जब तक मैं इस जेल में हूं आपका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। नाम यार, तुम मडियार के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं हमेशा उसे ऐसे ही हाफ मैन हाफ लायन नहीं कहता हूं, वो मेरा इकलौता दुश्मन है, इसलिए कह रहा हूं मैं। उसे इस जेल से बाहर करना होगा। वो रिमांड में आया है सर, मैं उसे कौन से कारण से बाहर कर सकता हूं? मुझे मारने के लिए मडियार से तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, बताओ मुझे। नहीं साहब, मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकता हूँ। तो फिर मुझे इस जेल को बदलना होगा। लेकिन कहाँ, कैसे करेंगे? इस स्टेट में बहुत सारी सेंट्रल जेल है। आप जानते हैं कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ, किसी भी हालत में तुमसे नहीं हो सकता ये काम, तो तुम एसपी रामदास से कहो। रामदास सर लॉन्ग लीव लेकर अपने गाँव गए हैं, ये बात आपको पता नहीं? तो तुम होम मिनिस्टर से बात करो। होम मिनिस्टर से मैं कैसे बात कर सकता हूँ? बात करो, तुम ही बात करोगे। मेरे मंत्री से कह देना कि बहुत पैसा लिया है, तुम बात करना। हैदर मड़ी करने कहा है ऐसा बोलना।